मेरे दिव्य भाइयों और बहनों, आज हम स्वदर्शन चक्र पर कमेंट्री करने जा रहे हैं। स्वदर्शन चक्र माना स्वयं को इस सृष्टि के चक्र में देखना और अपनी खोई हुई शक्तियों को परमात्म याद द्वारा फिर से प्राप्त करना। इस चक्र को घुमाने से हमारे दिव्य संस्कार पुनः जागृत होने के साथ साथ आंतरिक खुशी बढ़ती है। अतः आइए आरंभ करते हैं स्वस्तिका पर आधारित स्वदर्शन चक्र। कृपया आराम से बैठ जाएं और आप आंखें खोल के भी ये योग कर सकते हैं, चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। स्वयं को बाह्य से भीतर की ओर लाना है। अपना सारा ध्यान मस्तिष्क के मध्य एकाग्र कर लें और स्वयं को एक चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा के रूप में देखें। मन बुद्धि से स्वयं को शांति धाम लाल प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा के सामने देखें और विजुलाइज करें। यही मेरी बीज रूप अवस्था है अर्थात परम पवित्र अनादि स्वरूप है। मेरे सारे दिव्य गुण मेरे भीतर ही हैं। मैं आत्मा संपूर्ण रूप से स्वतंत्र अपने प्रथम अनादि ज्योति रूप बिंदु स्वरूप में शिव बाबा के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम में स्थित हूं। विजुलाइज करें। अब मेरा सृष्टि रंगमंच पर पाठ आरंभ होने जा रहा है और मैं आत्मा अपने आदि देवताई स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में, आदि स्वर्णिम दुनिया में पाठ बजाने आ गई हूं। मैं सतयुगी दिव्य स्वरूप में कंचन काया में धीरे धीरे गर्भ महल में प्रवेश करती हूँ। यहाँ से मेरा आदि देवताई स्वरूप का आरंभ होता है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का साम्राज्य जहाँ मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म है और निरंतर आत्माभिमानी
स्थिति में थी। यहां मुझे आत्मा ने सतयुग में 8 जन्म व त्रेता में श्री सीता श्री राम के साम्राज्य में 12 जन्म लिए, जहां संपूर्ण प्रकृति सतो प्रधान और मेरी आयु सतयुग में 150 वर्ष व त्रेता में औसत 100 वर्ष के लगभग थी। सतयुग त्रेता जब मुझ आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित राज्य था, जहां मेरा हर कर्म अकर्म था, क्योंकि वह केवल आत्माभिमानी स्थिति में किया गया कर्म था। मैं आत्मा धीरे धीरे पुनर्जन्म में आते मेरी शक्तियां कम होती गई और त्रेता आते आते 2 कलाएं कम होकर मैं आत्मा 14 कला संपूर्ण रही, परंतु फिर भी ये मेरा दूसरा स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप था। मेरा यह स्वरूप 2 युगों सतयुग त्रेता अर्थात 2500 वर्षों तक रहा। विजुलाइज करें, अब आया सृष्टि का मध्यकाल, यानी मुझ आत्मा ने स्वास्तिका पर आधारित तीसरे युग द्वापर युग में प्रवेश किया। धीरे धीरे मुझ आत्मा में यह एहसास हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि मेरी शक्ति कुछ क्षीण हो गई है, कम हो गई है। अब मैं आत्मा 16 कला की जगह केवल और केवल 8 कला संपूर्ण रह गई। दिव्य गुरुओं की धारणा आधी हो गई, अतः पुनः उन दिव्य गुणों को पाने और स्वयं में धारण करने के लिए कल्पना के आधार पर शिव ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की। और यहां से आरंभ हुई अव्यभिचारी भक्ति, परंतु अंदर आत्मा की प्यास ज्यों की त्यों रही। फिर मुझ आत्मा ने अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति में प्रवेश किया।
और श्री कृष्ण की, श्री लक्ष्मी की, श्री नारायण की, श्री सीता व श्री राम की मूर्तियां व प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी और स्वयं ही पूज्य और स्वयं ही पुजारी बन गई। कहने को तो मैं आत्मा अपनी ही पवित्रता के कारण अपने तीसरे स्वरूप पूज्य स्वरूप में स्थित हो गई, पर कहीं न कहीं स्वयं ही पुजारी भी बन गई। धीरे धीरे प्रकृति के पांचों तत्वों को भी देवता मान पूजा आरंभ कर दी। और मैं आत्मा स्वयं के चैतन्य स्वरूप को भूल जड़ शरीर को ही मानने लगी। यह एहसास कहीं न कहीं समाप्त हो गया कि मैं एक आत्मा हूं, बल्कि अब शरीर को ही स्वयं को समझने लगी और मुझ आत्मा की आयु भी कम हो गई, क्योंकि अब मुझे 1250 वर्षों के द्वापर युग में 21 जन्म लेने पड़े, जो कि सत्युग त्रेता के 20 जन्मों से भी अधिक थे। अब मैं आत्मा और सृष्टि चक्र में आगे बढ़ी और स्वास्तिका के अंतिम युग कलयुग में प्रवेश कर गई। मेरे अंदर अंधकार के कारण मैं आत्मा भटकने लगी और प्रभु की प्राप्ति के लिए कीर्तन, मंदिर, तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य, यज्ञ व हवन करने लगे। भक्ति मार्ग की सभी रस्में जैसे भी तथाकथित पंडितों और गुरुओं ने बताया सब किए, पर कुछ भी हासिल न हुआ। कलयुग में कलाएं बिल्कुल शून्य हो गई, अर्थात मैं आत्मा जो कभी 16 कला संपूर्ण थी, अब देहभान के कारण सभी कलाएं समाप्त हो शून्य हो गई। यहां मुझ आत्मा ने 1250 वर्षों में 42 जन्म लिए, औसत आयु बहुत कम हो गई, अकाले मौत बढ़ गई। अब आया कलयुग का अंतिम चरण और वह दिन भी आया जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने
ब्रह्मा मुख द्वारा मुझे अपना बनाया, मुझे स्मरण है वो दिन जब मैंने पहली बार राजयोग का प्रशिक्षण आरंभ किया और धीरे धीरे परमात्मा के साथ मेरा संबंध जुटा और मेरे गम के दिन खुशी में बदलने लगे। यही वो समय था जब मैं आत्मा अपने चौथे स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो प्रसन्न रहने लगी। मेरा सारा समय परमात्मा याद और सेवा में ज्ञान व परमात्मा श्रीमत की धारणा के अनुसार गुजरने लगा। यह मेरा संगम युग का अति विशिष्ट कल्याणकारी जीवन था जिसे हम हीरक युग या डायमंड एज भी कहा जाता है। संगम युग वो युग है जब कलयुग का अंत और सतयुग के आरंभ की घड़ी है। इसी समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा धरा पर अवतरित हो भारत खंड में आबू की पावन पहाड़ियों में ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं और परमात्मा ज्ञान द्वारा हम सभी आत्माओं को दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए सच्चा सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। मैं आत्मा जो कि परमात्मा मिलन से हर प्रकार से सुखी रहने लगी और एक ही आस हमेशा मेरे मन में रहती है कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो जो शिव बाबा के साथ ही अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में अपने घर अर्थात परम धाम को जाऊं। यही अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप मेरा अंतिम लक्ष्य भी है। तो आज हम सभी ने अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन किया जिसमें अनादि ज्योतिरूप बिंदु स्वरूप, आदि देवताई स्वरूप, मध्य का पूज्य स्वरूप और परमात्मा अवतरण पर स्वयं को ब्राह्मण स्वरूप में स्थित पाया और अंतिम लक्ष्य अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है।
तो आइए धीरे धीरे हम इस स्वदर्शन चक्र को अपनी स्मृति में फिराते हुए परमात्म याद की यात्रा में, एक शिव बाबा की याद में अपना जीवन सफल करें और ऐसा पुरुषार्थ करें जो सतयुग में उच्च पद की प्राप्ति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।